आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को मंडलायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहजन में ममपाली के ठर्रा पार में कोविड वैक्सीनेशन के साथ साथ ग्राम चढ़राव में निगरानी समिति के कार्यों तथा ग्राम लुचई एवं पिपरा में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमितों से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सादगी से घरों में हुई ईद की नमाज, मस्जिद ईदगाह में पसरा रहा सन्नाटा, डिजिटल माध्यम से लोगों ने दी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जारी है सैनिटाइजेशन का कार्य, डीपीआरओ ने कहा कोई भी व्यक्ति कंट्रोल रूम में करा सकता है शिकायत, तत्काल होगी कार्यवाही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन में नगर निगम द्वारा साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं कराई गई हैं, उपलब्ध एक एक घर जाकर सफाई कर्मी उठा रहे हैं कूड़ा। जनपद में 45 प्राइवेट हॉस्पिटल तथा 6 सरकारी अस्पतालों में कोविड मरीजों का चल रहा इलाज, सीएमओ ने कहा कोविड मरीजों के इलाज के लिए जिले में बेहतर सुविधा है उपलब्ध। शासन के निर्देश पर 45 साल के ऊपर के पत्रकारों के लिए शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन, मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, कहा 18 साल के ऊपर के पत्रकारों का भी जल्द होगा वैक्सीनेशन। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 581 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 53,247। अब तक 554 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 7,453 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। पीपीगंज और कैंपेरगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर में वांछित 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। चौरी चौरा में गांव गांव जाकर सर्दी जुकाम बुखार की जांच कर दी जा रही है सरकारी दवाई, विधायक संगीता यादव ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल का करे पालन, सरकार है आपके साथ। अक्षय तृतीया व परशुराम जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यज्ञ हवन के धुएं को पात्रों में रखकर शहर के विभिन्न हिस्सों में धुओं से किया सैनिटाइज, कहा यज्ञ के धुएं से मिलता है ऑक्सीजन, वातावरण होता है शुद्ध। जिला अस्पताल सहित 27 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के 3,163 तथा 23 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के 5,216 नागरिकों का किया गया कोविड वैक्सीनेशन, सीएमओ ने कहा कोरोना को हराने के लिए लोग मास्क और सोशल डिस्टेंस का करें पालन। और शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू का शुक्रवार को भी देखने को मिला आंशिक असर, एसपीसीटी ने कहा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्यवाही।